देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अलवर के मुंडावर से, जहां घर के बाहर बैठे एक युवक पर गोलियां चलाई गई। फिलहाल घायल को अलवर रेफर किया गया है। दरअसल अलवर जिले के मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव बासनी में घर के बाहर बैठे एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी। घटना में युवक राकेश उर्फ टिंकू पुत्र शिव नारायण खटीक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजन मुंडावर अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां से उसे प्राथमिक उपचार देकर अलवर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि हमलावर एक कार में सवार होकर आए थे, जिनकी अभी तक तलाश की जा रही है। हमले के कारणों का भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। इधर घटना से उत्तेजित ग्रामीणों ने आज सुबह बाजार बंद कर आक्रोश प्रदर्शित किया, साथ ही पुलिस की नाकामी पर भी रोष जताया। ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस चौकी और नियमित गश्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की इस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व भी बेखौफ बदमाशों ने एक व्यापारी पर भी फायरिंग कर दी थी। अब इन घटनाओं के बाद देखना यह है कि पुलिस प्रशासन कब तक कार्रवाई कर आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा कर पाती है। देखिए हमारे संवाददाता नवीन जेवारिया की विशेष रिपोर्ट। ये बच्चा कोई काम से गया था ये स्टैंड की तरफ, और वहाँ पे कोई गुजरों के बच्चे आए थे, शेर सिंह वगैरह। अच्छा, उनसे इनकी बातचीत हुई, क्या हुआ, उन्होंने छोरे पे गोली लगा दी, छाती में लगी गोली। अच्छा, अब हालत क्या है उसकी? गंभीर है। आपको किसी पे शक है क्या? शक तो शेर सिंह हो रहा है। अच्छा, शेर सिंह गांव का ही है या कहीं बाहर गांव का? सासोद की ढाणी बोलते हैं, सासोद की ढाणी, और पिताजी का नाम शायद हरज्ञान है। हरज्ञान। कोई पुरानी रंजिश को लेकर के हुआ है या कोई आपको कुछ ऐसा अंदेशा हो? ऐसा तो अभी मेरे कोई विचार में है नहीं, कोई हो तो वो बालक जाने वो जाने। क्या नाम है जी आपका? बलवंत सिंह। क्या मामला है जी? मामला ये है जी, यहाँ महीने भर पहले बस स्टैंड पर गोलियाँ चली एक सेठ की दुकान पर। प्रशासन चुप बैठा हुआ है, महापंचायत कई दफ़े होली वो जिन्होंने अपना दबदबा बनाया हुआ है, कल फिर इन्होंने गोलियाँ फायरिंग की है। फायरिंग में हमारे बच्चे को गोली लगी है, बच्चे की हालत गंभीर है। प्रशासन क्यों चुप बैठा है? बताया जा रहा है कि ये पीछे भी फिरौती को लेकर के इन्होंने एक व्यापारी पे गोली चलाई थी। हाँ। उसमें भी कोई प्रशासन द्वारा अमल नहीं किया गया। हाँ। ऐसा ही कुछ मामला है क्या? हाँ बिल्कुल साहब, यही मामला है। एक चोरी हो गई थी सुनार सोने जी की, एक सोने भी हुई, उसमें भी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इसी महीने में 3 कांड हो चुके हैं। मिल गया, बताया इनका चोर मिल गया, वो सुनार अभी मेरे से मिला नहीं। इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज YouTube पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें।